So I'm starting block 20, markets around us, lesson 1, different markets. A hawker's stall in a neighborhood or a vendor selling vegetables on the roadside, a weekly market, a large shopping complex, or a shopping mall are different types of markets. तो हम सब अलग अलग तरह की लोकेलिटी में रहते हैं और उस लोकेलिटी के हिसाब से जो मार्केट्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। हमारे पास जहां भी हम रहते हैं वहां वीकली मार्केट हो सकती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, शॉपिंग मॉल हो सकता है, जहां पर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो हमारी डेली लाइफ की नीड है वो वहां पर मिल जाती है। वीकली मार्केट्स आर सेट अप ऑन स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक। तो वीकली मार्केट्स आपने देखी होंगी जिनको हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं, ये ज्यादातर सड़क के किनारे ही लगते हैं। वेंडर्स एंड हॉकर्स सेट अप टेम्पररी स्टॉल्स टू सेल फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो जो फेरी वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, वो टेम्पररी स्टॉल्स लगाते हैं, जैसा कि आप यहां पर पिक्चर 1 में देख पा रहे हैं। पीपल हेयर buying fresh fruits and vegetables in a weekly market. So vendors, hawkers set up to temporary stalls to sell fruits, vegetables, plastic goods, utensils means bartan, and loose spices, khule masale, locally made फूड लाइक पिकल्स, जो लोग खुद से बनाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं और उनको साप्ताहिक बाजारों में बिक्री मार्केट्स पे सेल करते हैं। इसमें पिकल्स हैं, अचार, लोकल हैंडक्राफ्ट्स लाइक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम केन एंड बैम्बू और ऑल्सो सोल्ड हेयर। और इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास में जैसे शू रैक, जो कि लोकल हैंडीक्राफ्ट है, जो कि बैम्बू का बना होता है। हॉकर्स मे स्प्रेड देयर गुड्स ऑन प्लास्टिक मैट्स ऑन द ग्राउंड। जो हॉकर्स होते हैं अपना सामान नीचे चटाई, जमीन के ऊपर चटाई बिछाकर बेचते हैं और वुडन प्लैंक्स या लकड़ी के बड़े बड़े तख्त लगे होते हैं। व्हेन द मार्केट क्लोजेस द वेंडर्स एंड हॉकर्स पैक अप देयर गुड्स, तो अपना सामान समेटते हैं एंड कैरी देम अवे और उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। देन दे कैन सेट अप देयर स्टॉल इन अनदर प्लेस और फिर नेक्स्ट डे जहां वीकली मार्केट लगती है वहां पर अपना सामान दोबारा से इसी तरह लगाते हैं। प्रोडक्ट्स सोल्ड इन अ वीकली मार्केट आर चीपर देन इन अदर टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो जो प्रोडक्ट्स हम वीकली मार्केट में खरीदते हैं वो दूसरी तरह की जो मार्केट्स होती हैं उनके कंपैरेटिवली हमें काफी ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। कारण ये है कि जो हॉकर्स होते हैं इनको एक्स्ट्रा मनी रेंट के रूप में या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पे नहीं करना पड़ता, जबकि जो शॉपकीपर होते हैं उनको अपनी शॉप का रेंट, बिजली का बिल जो कि मंथली हजारों रुपए में होता है वो देना होता है और इनको ये सब नहीं करना पड़ता। दे डोंट हैव परमानेंट शॉप्स। यही रीजन है कि ये अपना सामान एक जगह दूसरी जगह कैरी करते हैं और उसको कम रेट पर
दूसरे टाइप के मार्केट के कंपेरेटिवली ज्यादा सस्ता बेचते हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव टू हायर वर्कर्स, और इनको वर्कर्स को हायर करने की जरूरत भी नहीं होती है। हॉकर्स एंड वेंडर्स कंपीट विद वन अनदर टू सेल द सेम काइंड्स ऑफ गुड्स इन अ वीकली मार्केट। और वीकली मार्केट में जो वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, आप देखेंगे एक ही तरह का सामान लंबी कतार में बिक रहा होता है। कहीं सब्जी की ही आपको दुकानें दिखेंगी, कहीं पर आपको कपड़े की ही वहां पे वेंडर्स और हॉकर्स अपने सामान को बेचते हुए दिखेंगे। तो दिस इज वीकली मार्केट, और यहां पर सब वेंडर्स हॉकर्स एक दूसरे से कंपीट करते हैं। नेबरहुड शॉप्स, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं, आपके घरों के पास में होती हैं। दीज आर द परमानेंट शॉप्स एंड रोड साइड स्टॉल्स। दीज शॉप्स सेल अवर डेली नीड्स, और इन शॉप्स में हमारी डेली नीड्स मिलती हैं, जो प्रतिदिन की जरूरतमंद की चीजें होती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने उत्पाद होते हैं, जो भी दूध, मक्खन, पनीर, खोया एटसेट्रा, ग्रोसरीज हो गई, स्टेशनरी हो गई, ये सब हमें नेबरहुड की शॉप से मिलती हैं। एज द बायर्स एंड द सेलर एट द शॉप यूजली नो ईच अदर, तो यहां पर क्या है, बायर और सेलर जो होते हैं एक दूसरे को आमतौर पर जानते हैं, कभी कभी एक दूसरे से उधार ले भी लेते हैं, उधार दे भी देते हैं। सम शॉप्स ऑफर गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक दूसरे को जानेंगे तो चीजों को आप उधार ले भी सकते हैं, उधार दे भी सकते हैं, जबकि वीकली मार्केट में आप उधारी का कोई सिस्टम नहीं है। शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर लार्ज शॉपिंग एरियाज, तीसरा टाइप है हमारे पास। फर्स्ट इज वीकली मार्केट, सेकेंड वी स्टडीड नेबरहुड शॉप्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ मार्केट वी आर स्टडीइंग इज शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंड दीज आर लार्ज शॉपिंग एरियाज इनसाइड। बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं ये शॉपिंग मॉल्स के अंदर, जिनमें एयर कंडीशन्ड होता है, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं। मल्टी स्टोरी का मतलब सर कई मंजिले, कई बहुमंजिला। यस सर, बहुमंजिला। दे हैव मेनी शोरूम्स विच सेल एक्सपेंसिव ब्रांडेड गुड्स, और इनके पास ऐसे ऐसे शोरूम होते हैं जहां पर महंगी महंगी ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, सच एज क्लोथ्स, शूज, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजें वहां मिलती हैं, और आप इन सबसे फैमिलियर भी हो कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है, बैग्स कैसे होते हैं, शूज कैसे होते हैं, क्लोथ्स कैसे होते हैं। शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस आल्सो हैव सुपरमार्केट्स, बिग बाजार भी होते हैं, विच सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स। द शॉप्स इन मॉल्स हैव टू पे हाई रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो वहां पर जो शॉप्स होती हैं मॉल्स के अंदर, उनका जो रेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंपैरेटिव टू नेबरहुड मार्केट्स और अवर होम बहुत ज्यादा होता है। द शॉप ऑनर्स आल्सो पे सैलरीज टू सेल्स पर्संस, तो जो शॉप के जो मालिक होते हैं वो जो उन्होंने सेल पर्सन रखे होते हैं उनको सैलरीज भी देते हैं, जिनको मैनेजर्स हायर करते हैं ताकि वो उनकी शॉप को प्रॉपरली रन कर सके। देयरफोर गुड्स सोल्ड इन शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर एक्सपेंसिव, तो जो सामान आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में या शॉपिंग मॉल्स में बेचा जाता है वो वीकली मार्केट या नेबरहुड मार्केट की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगा होता है।
नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन नंबर वन, एंड इन नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी लेसन नंबर टू, एक्सेस टू मार्केट्स.